तो अभी जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारा टेक्स्ट कैसन मोशन ट्रैकिंग हो रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट मोशन कैसे करते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिटिंग के अंदर हम कैसे मोशन ट्रैकिंग करते हैं टेक्स्ट का। जब हम मोशन ट्रैकिंग करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट के साथ हमारे टेक्स्ट भी कैसे मोशन करते हैं। तो मोशन ट्रैकिंग जो हम करेंगे वो हम प्रीमियर प्रो के ऊपर करेंगे, और इसके साथ जो हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो फोटोशॉप यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में इस पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे टेक्स्ट को मोशन ट्रैकिंग करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और तब मैं आपको मोशन ट्रैकिंग करके दिखाता हूं। तो जैसे कि आप ये प्रीमियर प्रो पे देख रहे होंगे, ये जो हमारी क्लिप है, इस क्लिप को मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है चलता हुआ जा रहा है फोन लेके, फिर उसके बाद कान पे फोन लगाता है। तो मेरे को यहीं पे अपना टेक्स्ट जो है मोशन करवाना है यहां पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अपनी जो ये कर्सर है इसे स्टार्टिंग पे ले जाते हैं, और हम जो ये स्टार्टिंग वाला सीन है इसका हम ले लेते हैं एक स्नैपशॉट। तो यहाँ प्रीमियर पे आपको एक कैमरे का बटन दिख रहा होगा जो कि आइकन बना हुआ, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इसका हम एक स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने फोटोशॉप में। तो हम अपने फोटोशॉप में उस इमेज को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद हम उस पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो जैसे कि हमारी ये इमेज है, इसे हम अपने फोटोशॉप में इस इमेज को आप ओपन कर लेते हैं जो हमने स्नैपशॉट लिया था। उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी कलाकारी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे M दबा के आप यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। तो जैसे कि मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक नया लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर कंट्रोल बैक स्पेस से ये हमारा सर्कल हो गया तैयार। अब सर्कल के बाद हमें क्या करना है, एक डंडा सा बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैं एक नया लेयर लेके, अब ये जो सर्कल है सर्कल छोड़ के मैं इसे रेक्टेंगल में ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ पे इसे भी मैं रेड कलर में ही ले लेता हूँ। ये हमने रेड कलर में ले लिया। अब इसे हम कर देते हैं कंट्रोल डी। अब इसे सबसे पहले हम इसका मूवमेंट कर लेते हैं। तो इसे कंट्रोल टी करके आप जिधर चाहे उस तरीके से इसे आप घुमा सकते हैं। इसे यहाँ घुमा के मैं इसे यहाँ पर रखूँगा ताकि ये हमारा फ़ोन से अटैच होता रहे, और फिर उसके बाद एंटर। और फिर इसके मैं मेरे को लग रहा है इसका साइज़ कुछ ज़्यादा मोटा आ रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा और पतला कर लूँगा, जूम करके थोड़ा पतला कर लेते हैं इसे हम। अब इसे ऐसे करके पेन टूल से, चाहे किसी तरीके से भी आप इसे पेन टूल से सेलेक्ट करके और इसे आप कर देंगे यहाँ से डिलीट। ये अब ये हमारा हो गया ये पतला, अब ये हमारी लाइनिंग पतली हो चुकी है। अब इसके बाद अब ये जो हमारा सर्कल है इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है। यहाँ पे मैं एक और नया ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैं अपना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो लिख लेता हूँ, ये मैंने हेलो लिख लिया, और फिर उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसे हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब उसके नीचे मैं फिर वही लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, फिर हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो फ्रेंड्स। अभी इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट को भी हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और हेलो को भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हम इस पर थोड़ा सा ड्रॉप शैडो वगैरह दे देंगे इस टेक्स्ट के ऊपर। तो आप ब्लेंडिंग मोड में जाके यहाँ से ड्रॉप शैडो पे जाएंगे, यहाँ सा हल्का सा आप थोड़ा सा शैडो बढ़ाएंगे इसके पीछे की जितना आपको सही लगे, और मैं स्प्रेड भी दे देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसका मैं साइज हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ। और फिर इसके बाद हम फ्रेंड्स जो है ये फ्रेंड्स के अंदर भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, ड्रॉप शैडो इसके अंदर भी दे देंगे ताकि ये हमारा टेक्स्ट देखने में काफ़ी अच्छा दिखे। और यहाँ पे अब हमने फ्रेंड्स के अंदर भी यहाँ पे ड्रॉप शैडो दे दिया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा सर्कल बना के येल्लो कलर का सर्कल बनाऊँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक नया लेयर तैयार करेंगे, और ये हम यहाँ पे जो रेक्टेंगल था अब यहाँ पे हम फिर सर्कल वाला चूज करके फिर एक छोटा सा गोला बनाएंगे यहाँ पे येल्लो कलर का, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम येल्लो कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं
और इसके अंदर सर्कल के अंदर हम येलो कलर को फिल कर देते हैं। तो ये येलो कलर हमारा फिल हो गया, इसे हम ऊपर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से अब ये हमारा तो इतना काम हो गया, बट ये थोड़ा सा रेड टोन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस सर्कल को थोड़ा सा एक वाइट कलर में भी सर्कल ले लेता हूँ, ताकि आपका जो स्ट्रोक टाइप का देखने के लिए मिलेगा बाहर का, वो यहाँ पे वाइट कलर का ले लेते हैं। तो इसी लेयर को हम कंट्रोल जेड करके एक दूसरी लेयर ले लेते हैं और इसे हम कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम अपनी नीचे वाली लेयर को यहाँ पे कंट्रोल टी से बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें कंट्रोल एल दबा के लिए हमें वाइट करना है, तो इसे हम ये वाइट कर लेंगे। अभी हमारा वाइट हो गया, बट यहाँ पे ये जो हमारा आप देख रहे होंगे जो ये डंडा है, ये हमारे यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर दिख रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा डिलीट कर लेंगे। तो वही सर्कल टूल का यूज़ करेंगे, सर्कल टूल से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा हो गया एकदम परफेक्ट। अब उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम ये जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है इस लेयर को हम बंद करेंगे और इसको हम अब हम PNG में सेव कर लेंगे। इसे अब हम PNG में सेव कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम करते हैं प्रीमियर प्रो में, अब हम इसे प्रीमियर प्रो में लाएंगे उस इमेज को। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने जहाँ सेव करा था उस इमेज को आप देख लीजिए, ये रहा ये हमारा। अब इसे हम प्रीमियर प्रो पे ले आते हैं और यहाँ इसे इस इमेज को ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो किस तरीके से ये इमेज आ गया, बट ये मोशन ट्रैकिंग अभी हो नहीं रहा, तो इसके लिए हम क्या करें। तो अब जो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, तो ये जो हमारी PNG फाइल है, पहले तो सबसे पहले आप अपनी ये टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लें। इसको हम इसकी यहाँ पे हम थोड़ी सी साइज छोटी कर देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका साइज दे देते हैं 80%। जैसे ये 80% हो जाएगा, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा, बट ये कुछ ज़्यादा ही होगा, तो हम इसे 90% कर देते हैं। हम इसे 90 कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा घुमा देंगे इस इमेज को। यहाँ पे घुमाने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे थोड़ा सा राउंड करके ऐसे घुमा दीजिए ताकि आगे दिक्कत ना आए। अब यहाँ से हम इसे फ़ोन से अटैच करेंगे। अब ये इतना काम हमारा हो गया है। अब इस पर हमें जैसे मोशन ट्रैकिंग करना है, तो आप यहाँ पे इसे 100% या तो आप इसे 50% कर ले, जहाँ पे ये आपको सही दिखे। यहाँ से मैंने इसे 50% कर लिया है। अब इसे करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ये यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है, तो उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे अपने पोजीशन की ये स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपको मोशन दिख रहा होगा तो आप मोशन पे भी क्लिक कर लें। उसके बाद आप इस पे सेलेक्ट करके यहाँ आप अपनी टाइमलाइन पे आएंगे और शिफ्ट और एरो दबाएंगे, एक फ्रेम हमारा आगे जाएगा। फिर उसके बाद वहीं पे आप इसे सेट कर दें इस इमेज को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट एरो दबाएंगे और फिर उसके बाद इस इमेज को हम वहीं पे सेट करेंगे। ये हमने फ़ोन से सेट कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट और एरो दबाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, फिर इसकी पोजीशन जहाँ थी वहीं रख देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हम शिफ्ट एरो करके हमें इसकी पोजीशन बिल्कुल सेट कर लेनी है। तो आप वीडियो में देखते रहिए, मैं इस पर फटाफट पहले यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो इस क्लिप के ऊपर हमारी जो टेक्स्ट थी, इसकी पोजीशन हमने बिल्कुल फिट कर दी है। अब हम इस वीडियो को चला कर देख लेते हैं। तो जैसे आप प्ले करेंगे तो ये देखिए हमारी जो ये पोजीशन है किस तरीके से एकदम मोशन ट्रैकिंग एकदम मस्त हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं आपको फिर दोबारा चला कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी पोजीशन एकदम फिट हो गई और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी मोशन ट्रैकिंग हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी वीडियो में किस तरीके से मोशन ट्रैकिंग एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो आप इसी तरीके से अपनी वीडियो में भी मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से मोशन ट्रैकिंग किया, वो भी प्रीमियर प्रो के अंदर, वो भी इजी वे में। मैंने आपको बताया कि आप जल्दी आराम से इजी तरीके से अपना मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ अपने टेक्स्ट को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।